फिलहाल एक बड़ी खबर, जोधपुर में पकड़ा गया है मुन्ना भाई। किसी और के स्थान पर दे रहा था परीक्षा। आईटीआई सेंटर पर इस मुन्ना भाई को पकड़ा गया है। बीकानेर करौली के बाद अब जोधपुर में ये तीसरी और बड़ी कार्रवाई। नीट की परीक्षा के लिहाज से आपके लिए जानना जरूरी है कि इस मुन्ना भाई को, जो कि किसी और के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था, इसे पकड़ लिया गया है आईटीआई सेंटर से। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी राजीव गौड़ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं वहां से। राजीव, तीसरी कार्रवाई हुई है आज के दिन की, जिसमें एक मुन्ना भाई को जोधपुर के आईटीआई सेंटर से पकड़ा गया है। क्या ये पूरी कार्रवाई रही, किस तरह से शक गहराया और क्या अभी जारी है कार्रवाई? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से इस परीक्षा को लेकर के निष्पक्षता की बात जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ लगातार कोशिश करते हैं। बीकानेर और करौली की बात में जोधपुर में मुन्ना भाई पकड़ा गया। तस्वीरों में देखिए, सुमन सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अंदर गौरव यादव जो डीसीपी हैं यहाँ पहुँच चुके हैं और आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस परीक्षा को लेकर के जो गंभीरता दिखाई गई उसी का नतीजा है कि मुन्ना भाई धरा गया है। हालांकि परीक्षा दे नहीं पाया, उससे पहले पुलिस की जो मुस्तैदी रही, और कम से कम कहा जा सकता है कि चाहे एसएचओ जोगेंद्र सिंह की बात करें या इस इलाके के तमाम जो अधिकारियों की बात करें, उनकी गंभीरता रही है। और जिस तरीके से अब डीसीपी गौरव यादव यहाँ पर पहुंचे हैं, खुद इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ जो हैं वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो सावचेती कहेंगे, और हो सकता है कि 12:30 बजने के थोड़े बाद समय तक कुछ और भी इस तरह के मामले सामने आ सकते हैं। अभी तो कल शाम तक का समय बाकी है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी है। सीसीटीवी जितने भी लगाए गए हैं उसके आधार पर पूरी पड़ताल की जा रही है। देखिए, जिस सुबह से लेकर के कलेक्टर ने बादल चंद सुगर स्कूल हो या फिर जो दूसरे सेंटर एमएम कॉलेज हो वहां जाकर के भी आए हैं, जिस तरह से कलेक्टर से हमारी बातचीत हुई है उस हिसाब से ये जो झुंझारराम है ये सेंटर पे पहुंच गया था। अंदर प्रवेश भी कर परीक्षा दे नहीं पाया। पुलिस प्रशासन की जो आपस से मिली जुली जो कोशिश रही, सामंजस्य रहा, उसकी जो एक तस्वीर कही जा सकती है। वो कोशिश करते हैं, जो गौरव यादव हैं डीसीपी से बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर संभव हो तो वो इस बारे में जो जानकारी है अगर वो शेयर कर सके, क्योंकि देखिए ये बड़ा मामला है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कोशिश है और बात करने की कोशिश भी करते हैं, देखिए कि एक आरोपी जो है जिस तरीके से आरोपी को यहाँ गिरता गया, सर किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? ये जो रीट परीक्षा से रिलेटेड जो सूचनाएं हैं वो विभिन्न माध्यमों से एकत्रित किया जा रहा था। ऐसे लोगों पर नज़र रखी जा रही थी जो या तो पेपर लीक कर सकते हैं या डमी कैंडिडेट बैठा सकते हैं या अन्य तरीके से चीटिंग करवा सकते हैं। उस सिलसिले में करीब हमने 10 से 15 लोगों को चेक किया सूचना के आधार पर। उसमें एक व्यक्ति को चेक किया तो ये पाया गया कि वो बिल्कुल डमी कैंडिडेट था। किसी अन्य के स्थान पर, जो प्रथम दृष्टया बात आई है, किसी अन्य के स्थान पर आकर के एग्ज़ाम देने के लिए आया था पैसे लेकर के। उससे पूछताछ की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जो आगे आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक तौर पर कितनी राशि लेने की बात सामने आ रही है? अभी फिलहाल जो इसने बताया वो 3 लाख रुपये लेने की बात बताई है। आगे इंट्रोगेशन में और भी जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी खबर है, 3 लाख रुपए के अंदर डमी कैंडिडेट तैयार करने की जो सनसनीखेज खुलासा है डीसीपी गौरव यादव ने इस वक्त एक्सक्लूसिव बताया। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह से ही इसको लेकर के जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता हैं और पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ है, वो लगातार कोशिश करते हैं। पूरी पुलिस टीम का नतीजा कि डमी कैंडिडेट के रूप में जुझार को जिस तरीके से पकड़ा गया और बड़ी बात है। और देखिए कि जिस तरीके से सलाखों के पीछे कहते बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, और आप देखिए तस्वीर के अंदर अब जिस तरीके से जो व्यक्ति जैसा करेगा उसको वैसा फल भुगतना पड़ता है। और देखिए कि जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ और कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की जो आपस की सामंजस्य रहा है उसके चलते सलाखों के पीछे वो आरोपी अब जा चुका है। और आप देखिए तस्वीरों के अंदर आप दिखा रहे हैं, ये वही जुझाराम है जो 3 लाख रुपए लेकर के डमी कैंडिडेट के रूप में जिस तरीके से किया है आपके सबके सामने है। जी बिल्कुल राजीव, और देखिए कहीं ना कहीं इस बार ये सख्ती का दायरा जो बढ़ा उसी का ये नतीजा है कि एग्जाम देने से पहले ही इस तरह के लोगों को धर लिया गया है। 4थी गिरफ्तारी है आज के दिन की। आने वाले समय में राजीव, अब से कुछ देर के बाद में पहली पारी का जो एग्जाम है वो खत्म हो जाएगा, 12:30 बजे का समय। उसके बाद में दूसरी पारी रहेगी 2 बजे से, उससे पहले भी इसी तरह की सख्ती बरकरार रखनी होगी। और ये सख्ती आज नहीं, कल भी और कल के बाद भी, यानी कि चैलेंज जो है वो सिर्फ और आज और कल का नहीं बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी है। जब तक ये पेपर्स और ये जो प्रश्न पत्र हैं वो ठीक से नहीं पहुंच जाते, प्रश्न पत्रों के जरिए ओएमआर शीट जब तक ठीक से नहीं पहुंच जाती जहां पर उनके नियत स्थान है।
देखिए निश्चित रूप से चाहे बीकानेर की बात हो, करौली की बात हो, जोधपुर की बात हो, जिस तरह से ये मुन्ना भाई पकड़े गए हैं उसके साथ में पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती भी है कि अभी जिस तरीके से एक पारी खत्म हुई है उसके बाद में जिस तरीके से आज शाम की पारी भी है, कल सुबह की भी पारी भी है और शाम की भी पारी है। जरा जो ACP है हमारे साथ चक्र सर, इस तरह के जो एक्सपीरियंस सामने आते हैं आपको लगता है कि आगे चुनौतियाँ भी आसान रहेगी कि ऐसे जब केस आएंगे तो सॉल्व करने का और आनंद आएगा? देखिए हमारे जो उच्चाधिकारी है वो लगातार परीक्षा जो है पारदर्शिता के साथ संपन्न हो इसके लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं और पूर्व के जो अनुभव हैं जिस तरह से जो पूर्व में घटनाएं हुई है उनसे सीखते हुए नकल में जो अनुचित साधन है, नकल है या डमी कैंडिडेट है उनको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे DCP साहब ने जो सूचना तंत्र डेवलप किया है उसके आधार पर हमने इस डमी कैंडिडेट को सेंटर से पकड़ा है और बाकी भी दूसरे पहलू जितने भी है चाहे वो तकनीकी है या और है उनको रोकने के लिए हमारी पूरी टीम जो है प्रयासरत है। हमारे साथ में भारत सरकार के जुगेंद्र सिंह। जुगेंद्र जी, किस तरीके से इस कार्रवाई की जाती है? DCP साहब को कहीं से सूचना मिली थी कि ITI कॉलेज जो सेंटर है आज रीट परीक्षा का, उसमें इसका नाम और रोल नंबर आया था कि कोई प्रेम प्रकाश की जगह पर कोई दूसरा बैठा हुआ है, जिस पर मैं और ACP साहब और हमारी टीम केंद्र पे गए थे और वहाँ इसने इनिशियली पूछताछ, ये बैठा हुआ मिला था वहाँ पे कैंडिडेट, इनिशियल पूछताछ से इसने एक्सेप्ट कर लिया कि इसका नाम जुंजाराम है और ये प्रेम प्रकाश की एवज में बैठा है। लेकिन 3 लाख रुपए डमी कैंडिडेट के रूप में बैठा, इस तरह की जो बातें सामने आई? हाँ, इस तरह का इसने बोला है, बाकी इस चीज़ की पुष्टि की जाएगी, अभी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, करके अनुसंधान का विषय है, जो भी इसमें जो भी चीज़ आएगी सारी पूरी गहराई से जांच की जाएगी। ये वही टीम है, ये वही अधिकारी हैं जो उसमें लगातार गंभीरता से कोशिश कर रहे हैं, उसी के परिणाम के चलते ये जो कार्रवाई सबके सामने आई है। जी और राजीव, इस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या इसका पेशा है, इसके बारे में कुछ जानकारी अब तक मिल पाई क्या, किस लिए वहां पर पहुंचा, किसके कहने पर पहुंचा? ये तो आपने बताया कि 3 लाख रुपए में लगभग सौदा तय हुआ, बैकग्राउंड से क्या है इसका, नाता कहां से आता है, किस जगह का है? देखिए अभी प्रारंभिक तौर है, प्रेम प्रकाश नाम का जो कैंडिडेट था उसके स्थान पर ये परीक्षा दे रहा था, 3 लाख रुपए का डमी कैंडिडेट था। इसको लेकर के जिस तरीके से प्रारंभिक तौर पर बात करें तो इसका कुछ बैकग्राउंड पता चला, बैकग्राउंड क्या है? ये 2019 में टीचर भर्ती हुआ है, 3rd ग्रेड टीचर है ये, दोरीमेना पंचायत समिति में भागीरथ की डाणी प्राथमिक विद्यालय में ये मास्टर लगा हुआ है और ये रहने वाला भी उधर कोजा गांव है दोरीमेना में, वहाँ का रहने वाला है। जिस प्रेम प्रकाश के एवज में बैठा था वो सेड़वा का रहने वाला है, सोनड़ी गाँव है सेड़वा में, तो दोनों गाँव काफ़ी दूर है। अब इसका उससे कैसे कनेक्शन हुआ और क्या चीज़ है वो सारी आगे तफ्तीश में क्लियर की जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ के ACP चक्रवर्ती सिंह और SHO जोगेंद्र सिंह ने जो जानकारी दी है, खास तौर पे DCP गौरव यादव जब से यहाँ आए हैं तब से लगातार वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी मामला तुरंत प्रभाव से सुलझाया जाए और जिस तरीके से सुबह से लेकर पड़ताल करते करते ये जो तस्वीर सामने आई है ये चौंकाने वाली है। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ जो है लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता लगातार अलग अलग सेंटर पर जाकर के जिस पड़ताल की है ये उसका नतीजा है कि बीकानेर और करौली के बाद में जोधपुर का सबके सामने है। जी राजीव, देखिए जिस तरह से परीक्षा केंद्रों पर इस बार CCTV कैमरा लगाए गए हैं और CCTV कैमरे की पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, जैसे जयपुर में अभय कमांड सेंटर पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, जोधपुर में कहां पर ये मॉनिटरिंग जारी है, क्योंकि एक बड़ा एक तरीके से क्लू हो सकता है किसी भी प्रकार की ऐसी घटना को होने से पहले ही रोक देने का। देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, अभय कमांड जो सेंटर बना हुआ है वहाँ पर जिस तरीके से पूरा सिस्टम CCTV का लगा हुआ है, जहाँ पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ जो हैं खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, अधीनस्थ अधिकारी की जो टीम है, ACP की जो टीम है वो लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि कोई व्यक्ति कैसा भी व्यक्ति और जो गलत करेगा तो उसको कहने के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। कितने अरमान से परिवार के लोग अपने बेटे के लिए सपना देखते हैं लेकिन जब आकर के इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो चौंकाने वाली होती है। 3 लाख रुपए मामूली सी रकम के लिए खुद का जीवन जिस तरीके से खतरे में डाला है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो तस्वीर है ये अपने आप में चौंकाने वाली। आप आरोपी की तस्वीरें लाइव इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जब देख पा रहे हैं कि वही शख्स है जुंजाराम, जिसने 3 लाख रुपए का डमी कैंडिडेट के रूप में आज की परीक्षा में सबके सामने आया है। हैरान करने वाली बात है, हालांकि ये पहली पारी खत्म हुई है, अभी शाम को दूसरी पारी है और कल 2 पारियाँ और हैं, पता नहीं कितने मुन्ना भाई जो हैं
वो इसके अंदर सामने आएंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी पुलिस कस्टडी में है और पूरी तरह से पूछताछ होनी बाकी, हो सकता है इनकी कनेक्शन कैसे जुड़े, क्योंकि वो जो प्रेम प्रकाश है जो खुद असली कैंडिडेट है, उसका कनेक्टिविटी कैसे हुई, कैसे सौदा तय हुआ, किस रूप में राशि दी गई, कितनी राशि पहले दी गई है, कितनी राशि बाद में दी जाएगी, इन सब बातों को लेकर के खुला सा होना बाकी। लेकिन ये बात तो तय है कि ये जो नेटवर्क काम कर रहा है वो कम से कम हितेशी तो नहीं कहा जा सकता स्टेट का, क्योंकि जिस तरीके से ऐसी अगर बातें सामने आती है तो लोग इसी तरह की जाल में फंसते जाते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश का भी नाम खराब होता है, जिले का नाम भी खराब होता है। लेकिन ये पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को खोल दिया। जी बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा, और पुलिस की ही कहीं ना कहीं सख्ती की ये एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर होने से पहले ही किसी घटना को रोक देना, और जिस तरह से ऐसी हिमाकत करने की कोशिश भी जिस व्यक्ति ने की वो भी दया का पात्र नहीं हो सकता। जिस तरह से आपने कहा कि ना तो हितैषी प्रदेश के हैं और ना ही प्रदेश को और सरकार को, पुलिस विभाग को इनका हितैषी अब होना है, सख्त से सख्त सदा इन्हें दी जानी चाहिए, जिससे अब आने वाले दिनों में अगर कोई गिरोह वहाँ पर एक्टिव भी है तो उस पर भी अब एक तरीके का डर रहे, उसे भी किसी छोटी या बड़ी एग्जाम हो उससे डर रहे ऐसी हिमाकत करने के लिए। निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक कहा, कई तरह की गैंग है। आपको पता है जालौर और बाड़मेर इलाके में नेटबंदी करनी पड़ी, जोधपुर को फ्री रखा गया। लेकिन देखिए कि इस तरह के जो तत्व होते हैं वो समाज के लिए भी घातक है और प्रदेश के लिए भी घातक हैं। इस तरह की जो तस्वीर आती है तो दूसरे जो ऐसे लोग होते हैं जो पैसे देने में सक्षम होते हैं वो सोचते हैं कि पैसे दो और पास हो जाओ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब पुलिस की सख्ती होती है तो ऐसे मुन्ना भाई जो हैं वो सीधी सलाखों के पीछे होते हैं। जी बिल्कुल राजीव, वो देखिए लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये सवाल है, ये कोई चंद हज़ार लोगों का मामला नहीं है। 16 लाख पंजीकृत हुए हैं, पहला पारी जो है वो खत्म हो गई है राजीव, उससे जुड़ी हुई जानकारी अब आपसे चाहेंगे। ये बात हमने यहाँ पर करी जो कि नकल पर नकेल कसी जा रही है, पहली पारी की परीक्षा में और कहीं से कोई जानकारी सामने आई क्या जोधपुर क्षेत्र से, जो अलग अलग सेंटर्स हैं यहाँ पर, ये कह सकते हैं ये कहकर हम चलें कि पहली पारी की परीक्षा इन छुटपुट घटनाओं के अलावा जिन्हें होने से पहले ही रोक दिया गया इसके अलावा ठीक से रही है? देखिए निश्चित रूप से कुछ देर पहले जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस कमिश्नर रजित गौर से हमारी बातचीत हुई, बाकी शांतिपूर्ण है। ये एक केस पकड़ में आया है, जोधपुर में 62 केंद्र बनाए गए हैं और प्रत्येक जो एक अगर सेंटर की बात की, आज पहली पारी में 20,000 और सेकंड में 20,000 इस तरह से हैं। तमाम जो व्यवस्थाएँ मुकम्मल की गई थी उस हिसाब से हर कमरे के अंदर CCTV था, हर सेंटर पर CCTV था, उसकी अभय कमांड सेंटर में बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है, सभी जगह RS अधिकारी हैं और जो RPS अधिकारी हैं, इस पूरी 1200 लोगों की जो टीम है वो इसको कमांड कर रही है। जी राजीव, आने वाले कल के दिन के लिए व्यवस्थाओं में किस तरह से, जैसे आज बारिश की वजह से कुछ ऐसे असुविधा लोगों को हुई सेंटर तक पहुंचने के लिए, और सेंटर से जब बाहर निकलेंगे उसके बाद में दूसरी पारी के एग्जाम के लिए भी वहां किस तरह की व्यवस्था रुकने के लिए, खाने के लिए, आवागमन के लिए की गई है जोधपुर में? देखिए जिस तरीके से जिला कलेक्टर ने अपील की थी, काफ़ी भामाशाह भी आगे आए हैं और सरकार की ओर से रोडवेज एकदम फ्री कर दी गई है, सिटी बस और ऑटो को भी यहाँ पे लगाया गया है। जिस तरीके से कल शाम को अभ्यर्थी जो बाहर के थे, जैसलमेर के, जालौर के, सिरोही के, पाली के, वो सब तो आ चुके थे, इस बार स्थानीय लोगों को लोकल पे सेंटर दिया गया है, और तो ऐसे लेवल में स्थानीय ज़्यादा थे, मुश्किल से कोई 30% थे जो बाहर से आए हैं, उनकी व्यवस्था मुकम्मल है। और जो अभ्यर्थी जिस तरीके से लोकल स्तर पर आए, हमने कई सेंटर का जब जायजा लिया तो व्यवस्था माकूल थी, CCTV कैमरे से लेकर के पुलिस प्रशासन के माकूल बंदोबस्त थे और शांतिपूर्ण तरीके से इस एक मामले को छोड़ दें अब तक तो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा के पहली पारी के संपन्न होने की सूचना है। राजीव, इसे भी एक पहली कहेंगे प्रशासन के, पुलिस विभाग की, और साथ ही साथ जो मिले जुले एक तरीके का समन्वय था उसको लेकर के, और